ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा। बरसी है जो परमात्म बारिश, ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा। बरसी है जो परमात्म बारिश, निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ओम शांति। तिमिर लिए रथ निकल पड़ा है, संसारी आक्रोश हो रहा है। झुकता है संकल्प तुम्हारा, श्वेत धवल वह रोष खो रहा। कैसे सागर पार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। कब तक रक्त मौन बैठेगा, सत्य कलश छलकाना होगा। स्वप्न बीज भी सुप्त हो रहा, धरा स्नान करना होगा। किस दिन तुम संहार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे। बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। अग्निवृत्त होती जाती है, यौवन निर्जर छूट रहा है। प्रत्यंचा भर्राई सी है, धनुष तुम्हारा टूट रहा है। कब तक तुम सच स्वीकार करोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे। कंपन है वीणा के स्वर में,
याचक सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्व खोती जाती है, निर्णय सारे मंद हो रहे। क्या अब हाहाकार करोगे, क्या अब हाहाकार करोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। रणभेरी बज रही है, शत्रु सामने खड़ा है, अब क्या करना है, लड़ाई। अग्नि वृद्ध होती जाती, अग्नि बढ़ रही है, आग ही आग, यौवन निर्झर छूट रहा है, प्रत्यंचा भरारी सी भर्राई सी है, सारी तैयारियां हो गई है, धनुष तुम्हारा टूट रहा है, कब तुम सच स्वीकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। कंपन है वीणा के स्वर है, याचक सारे छंद हो रहे, कविता की सारी लाइनें याचक प्रार्थना कर रही है तुमसे, वीणा के स्वरों में कंपन है, रीढ़ गर्व खोती जाती है, निर्णय सारे मंद हो रहे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। यू आर एट वॉर विथ माया, तुम्हारी लड़ाई किससे है, माया से, और माया अर्थात 1871 की वाणी, माया अर्थात समर्पण किसका करना है, समर्पण किसका करना है, मर्जीवा किससे बनना है, पांडव गल मरे किससे। ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संकल्प है, जो बोल है, जो शब्द है, जो संस्कार है, जो स्वभाव है, वो है माया। ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय संकल्प, ईश्वरीय शब्द या बोल, ईश्वरीय कर्म के विरुद्ध, के विपरीत जो कुछ है वो है माया। समर्पण किसका करने आई हो, बाबा पूछ रहे कुमारियों से, 1971 में पूछ रहे कि समर्पण किसका, पांडव जो गल मरे वो किससे गल मरे, मर्जीवा जो गायन है वो किससे मर्जीवा का गायन है, विपरीत अपोजिट संस्कार, ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध जो संस्कार है, ईश्वरीय मर्यादा के अपोजिट जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो संस्कार है, जो शब्द है, जो बोल है, जो विचार है, जो संकल्प है, जो कर्म है, जो एक्शन है, उससे, ये सब शत्रु है। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे, ये तुम्हें परास्त किए जा रहे हैं। बोलो, क्या बोलो, कब प्रतिकार करोगे। अग्नि वृत्त होती जाती है, यौवन निर्झर छूट रहा है, प्रत्यंचा भर्राई सी है, धनुष तुम्हारा टूट रहा है, कब तुम सच स्वीकार करोगे। पहले तो स्वीकार करो कि हमारी हार हो चुकी है, पहले तो स्वीकार करो कि शत्रु ने हमें परास्त कर दिया है, पहले तो स्वीकार करो कि अब जो संकल्प है, अब जो बोल है, अब जो स्वभाव है, अब जो संस्कार है, अब जो कर्म हो रहे हैं, वो सभी ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध है। विकारों में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, इतना सारा ज्ञान होने के बाद में भी हलचल होती है, बेचैनी होती है, वासनाएं जगती है, छाए जागृत होती है,
तिमिर लिए रथ निकल पड़ा है। संसारी आक्रोश हो रहा, झुकता है संकल्प तुम्हारा। श्वेत धवल वह रोष खो रहा, कैसे सागर पार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। यात्रा बहुत लंबी है, योद्धा बनना है, शक्तिशाली बनना है। तुम हो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। क्या कहा मुरली में, कौन हो तुम? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। कब तक रक्त मौन बैठेगा, सत्य कलश झलकाना होगा। स्वप्न बीज भी सुप्त हो रहा, धरा स्नान करना होगा। किस दिन तुम संहार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। कौशल नरेश के पास एक हाथी था और उस हाथी ने बहुत सारे युद्ध जितवाए थे, बहुत पराक्रमी, बहुत शक्तिशाली, सबसे प्रिय वो हाथी था राजा का। पर समय के साथ हाथी बूढ़ा हो गया और एक दिन वो हाथी शहर के बाहर जो तालाब था वहां चला गया। किल्लोल करते करते और अंदर और धीरे धीरे मध्य में जा फंसा, जहां पर कीचड़ था। चारों तरफ तालाब, बीच में कीचड़ और वो इतना भारी भरकम हाथी बीच में फंस गया। और वो दहाड़े लगाने लगा, चिंघाड़ने लगा। बहुत से लोग एकत्र हो गए, सारा शहर एकत्र हो गया। शहर के जो देश के जो बड़े बड़े महावत थे वो भी आ गए, पर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसको निकाले कैसे। उन्होंने एक युक्ति सोची, तीर से उसे मारना चालू किया और हाथी की आंखों से आंसू आने लगे। उनको लगा कि शायद इस दर्द को सहकर वो हाथी बाहर आ जाए। खबर राजा तक पहुंची, राजा तुरंत आया। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, इतना प्रिय हाथी जिसने देश की इतनी सेवा की वो आज किस हालत में है। राजा को स्मरण हुआ उस बूढ़े महावत का और राजा ने उस बूढ़े महावत को बुलाया, क्या किया जाए। उस महावत ने कहा, बाजे बजाए जाए, रणभेरी बजाई जाए, युद्ध की तैयारी करो। वैसा ही हुआ, ढोल बाजे जो युद्ध में बजाए जाते हैं, वो रणभेरी, वो सब कुछ बजाया गया जोर जोर से। और जैसे ही वो सारा बजाया गया, हाथी ने एक छलांग लगाई और तालाब से बाहर। बुद्ध अपने भिक्षुओं को यह कथा सुना रहे। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु, उस हाथी से सीखो। एक संकल्प से, एक छलांग से वो हाथी कीचड़ से बाहर आ गया। तुम कब तक कीचड़ में फंसे रहोगे? कैसे हुआ ये? हाथी में मनोबल था, वो सुप्त था। उस सुप्त मनोबल को फिर से जागृत कर दिया किसने? उन आवाजों ने। बोलो कब प्रतिकार करोगे? कब तक रक्त मौन बैठेगा, सत्य कलश झलकाना होगा। स्वप्न बीज भी सुप्त हो रहा, तिमिर लिए रथ निकल पड़ा है। संसारी आक्रोश हो रहा, झुकता है संकल्प तुम्हारा। कैसे सागर पार करोगे? अपने भीतर सुप्त मनोबल है, सुप्त चेतना है, उसको क्या करना है? जागृत करना है। तो ये सारे संकल्प, हम कमजोर है, हम बूढ़े हैं, शरीर बीमार है, ऐसा है वैसा है, ये परिस्थितियां है वो परिस्थितियां, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है,
ये बाधा डाल रहा है, वो बाधा डाल रहा है, संडे की मुरली वरदान जो तुम्हारे मार्ग पर बाधा डाले। रविनेश भाई, उसके चार टाइटल है, 1 2 3 4, नो प्रॉम्प्टिंग, जिसको पूछा जाए वही बताएगा। जो तुम्हारे मार्ग पर बाधा डालेगा उसके लिए चार टाइटल है। कमलेश भाई, चारों के चारों बताने। एक निमोनिक भी बताया था उस दिन, पाओ, PAAV। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालेगा उसे क्या कहा जाता है? पाठ बढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, अनुभवी बनाने वाला और विघ्नों से पार करने वाला। उसे अपना दुश्मन ना समझो, वो आगे बढ़ाने वाला है, वो अनुभवी बनाने वाला शिक्षक है, आगे बढ़ाने के निमित्त है और विघ्नों से पार करने के लिए, पार कराने के लिए आए। अपॉइंटमेंट ली है उसकी, अपॉइंटमेंट कहां से हुई है? ऊपर से। कंपन है वीणा के स्वर में, याचक सारे छंद हो रहे, सारे छंद याचक बने हुए पुकार रहे तुमको। ये सारे छंद जो है ना इसमें के, इसकी लाइनें, इसके स्टैंजास, इसकी वर्सेस, ये एक एक शब्द याचक है। क्या कह रहे? याचक सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्वक होती जाती है, रीढ़ की तुम्हारी हड्डी बैकबोन गर्वक हो रही है अपनी, गिर रही है। निर्णय सारे मंद हो रहे, क्या अब आहाकार करोगे? अब तो करोगे कि नहीं आहाकार? बोलो, कब प्रतिकार करोगे? बोलो, कब प्रतिकार करोगे? बूढ़ा होने के बाद यौवन निर्झर छूट रहा है, धनुष तुम्हारे टूट रहे हैं। अब करना है जो करना है। महावीर हो, मुरली में कहा ना, कौन हो? महावीर हो, सेना हो, लड़ाई करनी है तुमको, जीतना है, हार का बदला लेना है। कई बार माया ने हराया है, अब तक हराती ही आई है, अब ये चैलेंज है, मरने से पहले उसको मारेंगे। बहुत हरा दिया वासनाओं ने, काम विकार ने, हजारों बार ब्रह्मचर्य को खंडित किया है। अमृत ब्रह्मचर्य अमृत है, ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य सूर्य है, वो शक्ति है। वो है तो सब है, वो नहीं तो सब कुछ खत्म। ब्रह्मचर्य नाश अर्थात मृत्यु, ब्रह्मचर्य अमृत है, ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ओज है, ब्रह्मचर्य साहस है, ब्रह्मचर्य शक्ति है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, पावर है, एनर्जी है, सब कुछ वही है। वो है तो सब है, वो नहीं तो सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ नाश। माया किसके पास आती है? सुखदेव भाई, जो ब्रह्मा कुमार है उसके पास माया आती है। शूद्र कुमार के पास कभी माया आती है क्या? कल पढ़ी ना मुरली, पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, बोलो कब प्रतिकार करोगे? और हार हुई तो रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। ओ डेथ, वेयर इज थाई स्टिंग? ओ ग्रेव, वेयर इज थाई विक्ट्री? मृत्यु, तुम मुझसे जीत नहीं सकोगी। इंग्लिश में किताब है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस,
जॉन बनियान। उसमें लेखक ने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध किताब है और बहुत पुरानी क्रिश्चियन बुक है, लेखक ने स्वर्ग के लिए लिखा है। जो मुरलियों में स्वर्ग का वर्णन है, पैराडाइज का, वो उसने तब कुछ बहुत सारी चीजें लिखी है उस लेखक ने, वो शायद लेखक यही होगा कहीं। वो यात्रा बता रहा है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एक राही है, उसकी यात्रा का वर्णन कर रहा है। वो स्वर्ग के द्वार पर जा रहा है, उसे स्वर्ग तक पहुंचना है, उसने स्वर्ग को देखा है, पर कितनी बाधाएं हैं मार्ग में, बहुत सी बाधा है। और सारी बाधाओं को पार कर कर वो यात्री, वो राही, वो मुसाफिर आखिर स्वर्ग के गेट तक पहुंच जाता है। बस यहां गेट है स्वर्ग का, सारा कुछ पार करके, परंतु स्वर्ग का जो गेट है बहुत विशाल गेट है, और स्वर्ग अभी अंदर ही है, वहां एक छोटी सी पगडंडी है, कहीं और जा रही है। उसको लगता है ये क्या है, ये कहां जा रही है, उत्कंठा। वो कहते हैं ये क्या है, अब बस घुसने ही वाला है अंदर, सारे विकारों को जीत लिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मदमत्सर, पर एक छोटी सी पगडंडी कहां से, स्वर्ग के गेट के वहीं से निकल रही है। उसको वो सोचता है ये कहां जा रही है, और बस उसमें जाता है और वापस नरक में। सांप सीढ़ी का खेल पता है ना, 98 में पहुंचा है और अभी विजय विजय विजय, मैं बस पहुंचा ही पहुंचा और 99 में गया और वहां से सीधा जीरो। वही पगडंडी है जो सीधा नीचे लाती है। द्वापर से आत्माओं के पतन का महत्वपूर्ण कारण है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। देवता है क्यों गिरे, क्यूरियोसिटी की वजह से। विकार क्या है, ये शरीर क्या है, इसको जानना है उसमें कुछ भी नहीं, ये 1 mm 5 mm, इसको खींच के देखो अंदर क्या है, ये 1 mm जो है ना, इसके इसको निकालो इधर से। शरीर के द्वारों में कैसा सुख, गंदगी बह रही है, पर कामी को वही सुख भासता है। ब्यूटी इज बट स्किन डिप, बस वहां तक है, और ब्यूटी है ही नहीं, वो भ्रम है, और उसी भ्रम में सारा जीवन बिता देता है, सारा जीवन उस भ्रम से निकल ही नहीं पाता। यही सत्य है, यही सब कुछ है, यही अच्छा है, परंतु योगी बनना है। निर्विकल्प समाधि की चर्चा की है इस मुरली में बाबा ने, कौन सी समाधि, निर्विकल्प समाधि, ऐसे योगी, ऐसे सहयोगी, ऐसे सदाचारी, ऐसे योगी, ऐसे सहयोगी, ऐसे सदाचारी, ऐसे योगी बने हो तो आज 3 मुरलियां है, 2 मुरलियां, 1-8 और ये थोड़ी बड़ी वाली, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 7 मुरलियों में जिसमें से 20 प्रश्न आने वाले हैं, उसमें से ये दूसरी है। होमवर्क आज का, इस मुरली से 10 प्रश्न निकालने हैं और 10 उत्तर उनके, और इन्हीं 10 उत्तरों में से प्रश्न आएंगे। कितना छोटा सा काम है, केवल आपको ये 10 ही तो प्रश्न पढ़ने हैं, पर कितने भाई बहनों के। तो इस मुरली से कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न निकालने हैं, आएंगे कितने, 7 में से 20 आएंगे। सबसे पहले ये मुरली लेते हैं, 1-8-91 समर्पण, अर्थात डेफिनेशन। हर मुरली में नई नई डेफिनेशन आती है, कितना इंटरेस्टिंग है सब कुछ।
कंफ्यूज तब नहीं होंगे जब उसको कई बार पढ़ा हुआ होगा। एक एक मुरली 10-10 बार जिसकी रिवाइज होगी होगी वो कभी नहीं कंफ्यूज होगा। जिसने खाली एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार क्लास करा दी और ऊपर ऊपर से हाथ घुमा दिया उसके ऊपर, और भी काम होते हैं, तो ये काम सबसे नंबर वन काम है, ये काम सबसे बड़ा काम है, इसके ऊपर और कोई काम नहीं है। दिस इज प्रायोरिटी नंबर वन। इस संसार के जो भी काम है सब बाद में। कल सुना ना कविता में, अगर निराहार किसी कुटी में भी रहूं तो भी मुझे पुस्तक दे दो बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस किताब चाहिए और कुछ भी नहीं। माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर देयर विद हुम माय कन्वर्स डे एंड डे बाय डे। माय डेड अमंग द डेड आर पास्ट व्हेनेवर दीस कैजुअल आईज आर कास्ट। पहली परिभाषा समर्पण अर्थात। कमलेश भाई समर्पण अर्थात। बुक तो हाथ में है। तो एक एक पे अटक गई गाड़ी, केवल कर्म और कुछ ईश्वरीय संस्कार मर्यादाओं से विपरीत। उस दिन जो बताया था ना उसको रीऑर्गेनाइज करना है। रीऑर्गेनाइज करने के बाद क्या आ गया? संकल्प बोल कर्म स्वभाव संस्कार, उसको ही घुमा घुमा के बोला है। ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत जो कुछ है, एवरीथिंग विच इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू ईश्वरीय मर्यादा, थ्रो इट अवे, रिलिंक्विश, रिनाउंस, उसको हटा दो। चेक करो, देखो ये ईश्वरीय मर्यादा के खिलाफ है, ये ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल है। जो जो ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत है वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन को क्या करना पड़ता है? गले लगाना पड़ता है। क्या क्या करोगे? दुश्मन पर रहम करोगे? बड़ा शातिर है दुश्मन, नष्ट कर दो उसको, खत्म कर दो उसको, हटा दो उसको। तो समर्पण अर्थात किसका समर्पण? ये सब चीजों का समर्पण, इसे कहा जाता है समर्पण। बाकी जो कुछ है वो ऊपर ऊपर रूप है समर्पण का। ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, प्रोग्राम करो, समर्पण समारोह करो, हार पहनाओ, फूल पहनाओ, कैंडल लाइटनिंग करो, केक काटो, वो सारा सारा जो कुछ है, सजावट करो, वो सब ऊपर ऊपर का है, उससे कुछ नहीं होने वाला। समर्पण अर्थात ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत जो है स्वाहा कर दो उसको। क्यों? क्यों कर सकते हो? क्योंकि तुम कौन हो? मास्टर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। तुमसे ज्यादा पावरफुल इस संसार में और कोई नहीं है। सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली तुम हो, क्योंकि क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। सारी सृष्टि एक तरफ, तुम एक तरफ। जीत तुम्हारी है। और आगे कहा कि दो चीजें चाहिए, उल्लास चाहिए और हिम्मत। भीतर के सुप्त आत्मबल को जगाना है, भीतर के सोई हुई चेतना को जगाना है। अंदर तपस्वी बैठा है, अंदर ब्रह्मचारी सो रहा है, जागो। घर पर जाते हैं तो क्या करते? ठक 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 कोई है तो सभी अभी ठक ठक करेंगे। ठक 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 कोई है, ये दरवाजा है ना, जगाओ, उठो, कोई है, कोई है, कोई है, भीतर कोई है, जगाओ, कोई है क्या भीतर? कोई है? अंदर सो रहा है। वो भी कर सकते हैं। उल्लास, उत्सव,
हिम्मत यही उत्सव है। एंथुजियाज्म मेक्स द डिफरेंस। दो व्यक्ति काम कर रहे, एक उत्साहित है एक उत्साहित नहीं है, बस यही अंतर है। एक सफल एक विफल, एक जीतता एक हारता है। दोनों की ट्रेनिंग में ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी एक जीतता एक हारता है। क्यों? उत्साह से भरा हुआ है, उत्साहित है सब चीजों के लिए। उत्साह होना चाहिए उठते ही। ओहो चिमन भाई, ओहो बोल के बताओ अच्छे से। ओहो क्या है ये नई मुरली पढ़ते समय, ओहो आज कौन से नए अर्थ पता चलने वाले हैं, कुछ तो नए रास पता चलने वाले हैं, ऐसा कोई तो राज इसमें आने वाला है आज। एक एक लाइन उत्साहित करे। ओहो आज समाप्ति का दिन है वह समर्पण का दिन है। समर्पण अर्थात समर्पण अर्थात समर्पण अर्थात समर्पण अर्थात क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ तो नया आने वाला है। वो नहीं आने वाला जो मुझे पता है। फिर हर्षित मुख और अंतर्मुख, तो ये चार महावाक्य है। तो आज हम एक गेम खेलेंगे, चाइनीज विस्पर गेम। पहले भाई और फिर बहने, पहले भाई फिर बहने। तो इस सोफा को पीछे कर दो, ये पूरा सोफा पीछे जाएगा। भाई सब एक तरफ आ जाए, सारी बहने एक तरफ, सारे भाई एक तरफ, वो भाई भी इधर आ जाएंगे, सब सब भाई इधर, पीछे जो बैठे हैं देवेंद्र भाई सब आ जाओ इधर, सब 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 सब, सारी भाई भाई इधर थोड़ी देर के लिए, और बहने भी जो है पीछे जो बैठी है वो इधर से आओ, क्योंकि आपको मनोरंजन दृश्य अगर देखना है तो इधर आना पड़ेगा। सब इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, सोफा पीछे कर दो, सोफा पीछे। अभी एंटरटेनमेंट गेम होगा, एक फुल एंटरटेनमेंट। नहीं नहीं आपको तो खड़े रहना है, भाइयों को सारे भाई उधर चले जाओ, एक केवल कैमरा लेकर घुमाने वाला होगा बस। सुखदेव भाई को छोड़ के बाकी सब इधर, सुखदेव भाई को छोड़ के बाकी सब इधर, सब इधर सब इधर सब इधर। ये लगाना नहीं है, पीछे रख दो इधर, सोफा एकदम पीछे लगा दो, और हमें एक माइक दे दो, हैंड माइक। बैठने का तो है ही नहीं, पर चलो दो मिनट के लिए बैठ जाओ, माइक दे दो। इसमें करना क्या है, हम यहां पर एक्शन एक करके दिखाएंगे। ये चार महावाक्यों के ऊपर आधारित चार महावाक्य है, समर्पण, मास्टर ऑलमाइटी ऑथॉरिटी, तीसरा महावाक्य है उत्साह उल्लास और हिम्मत, और चौथा है हर्षित मुख और अंतर्मुखी। तो ये चार महावाक्य है, ये चार महावाक्यों की एक्शन हम करके दिखाएंगे एक व्यक्ति को। सभी लोग एक लाइन से खड़े हो जाएंगे उधर देखते हुए, उल्टा उधर देखते हुए, एक ही लाइन में सारे उधर देखते हुए, इसको घुमाते रहना पूरा आगे उधर देखते रहो, ठीक है। हम एक भाई को अभी एक्शन करके बताएंगे, वो आप इसको करके बताना, आप नहीं देखेंगे, आपको आपके पीछे वाला करके दिखाएगा, तो वो आप फिर आगे वाले को करके दिखाना, फिर आप आगे वाले को, और आगे आगे चले जाओ, चेयर पे जो कोई भी नहीं बैठेगा के चेयर पर को, तीनों नागराज भाई आप भी आ जाओ, खड़े हो जाना, एक ही लाइन में सारे खड़े होंगे, सब एक ही लाइन में। आप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में आप हो, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, सबसे पीछे नागराज भाई। जल्दी 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 थोड़ा दूर दूर हो जाओ, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और थोड़ा आगे आगे चले जाओ, गेट से बाहर नहीं निकलना है, गेट बंद कर दो, और थोड़ा पीछे जाओ। तो अभी सारी बहनें देखेंगे, ठीक है, आपके लिए एंटरटेनमेंट है, पर फिर आपकी बारी है, सबकी सेकंड मुरली आपके लिए है। तो अभी हम एक एक्शन करके बताएंगे इसको, एक भाई को, दिनेश भाई को। दिनेश भाई मेरी तरफ देखेंगे और फिर हम उनको एक्शन करके बताएंगे, फिर वो टर्न होंगे और रविनेश भाई को एक्शन करके बताएंगे, फिर रविनेश भाई
मनी भाई को एक्शन करके बताएंगे, फिर आप पीछे टर्न होंगे और अरविंद भाई आप सुशील भाई को, तो ऐसे करते 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 एक्शन पहुंचेगी वहां तक। इंग्लिश में, हिंदी में कहावत है बात का बतंगड़, उसका आज हम देखेंगे क्या होता है। तो अभी हम चालू करते, हमारी जो एक्शन है वो केवल कौन देखेगा, सारी बहने और दिनेश भाई, बस ये ओरिजिनल एक्शन जो है केवल इतने ही लोग देखेंगे, बाकी किसी को ओरिजिनल एक्शन पता नहीं है, सब आगे देखते रहेंगे। निखिलेश भाई आप पीछे पीछे नहीं देखना है बार बार। और कोई म्यूजिक होगा तो चालू कर दो हल्का सा एकदम, किसी को भी नहीं देखना है, जब हम बोलेंगे तब देखेंगे। तो अब हम जा रहे एक्शन करने के लिए, ठीक है। तो चार महावाक्य है हमारे, तो चार महावाक्यों की चार एक्शन है। दिनेश भाई आप देखेंगे, फिर आप ये एक्शन इनको करके बताएंगे, ठीक है। रविनेश भाई टर्न, टर्न 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 टर्न, मनी भाई देखो टर्न, हो गया टर्न, चेक टर्न, टर्न टर्न टर्न, इधर देखो एक्शन टर्न। विट्ठल भाई देखो, इसे टर्न होके देखो एक्शन, पूरा टर्न हो जाओ, इनकी एक्शन देखो पूरा, देखो अच्छे से। रवि ने पूछे टर्न होके देखो इनकी एक्शन, और इनको करानी है आपको, ये देखो क्या करा रहे, टर्न देखो करो, टर्न 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 टर्न, इधर इधर टर्न आप करेंगे अभी, हाँ इनको कराओ टर्न 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 टर्न, इधर 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 करके दिखाओ, इधर करके दिखाओ टर्न, नागराज भाई फर्स्ट कौन था, दिनेश भाई आ जाओ। तो दिनेश भाई क्या एक्शन थी, कितनी थी, कितनी बातें थी, हाँ हाँ आपका क्या रहा अभी बैठ जाएंगे कहां तक, कहां से कहां चला गया बीच में सब चेंज होते गया, चेंज होते गया, चेंज होते होते किधर के किधर पहुंच गया। हाँ पर फिर भी गलत था, आप तक जो पहुंचा ना वो सही नहीं था। अभी और एक बार भाई लोग खड़े होंगे, अभी एक वाक्य देंगे, वो वाक्य खाली बहनों को पता है क्या होगा, पेपर पे लिखा हुआ चाहिए था एक्चुअली, पता रहना चाहिए वो वाक्य, हाँ बोर्ड पर लिख देंगे। तो इसको कहा जाता है चाइनीज विस्पर, ठीक है। अभी बहनों की भी बारी है इसके बाद, तो इसमें जैसे ऑब्जर्वेशन जो स्किल्स है वो डेवलप करनी है, इन जो पहले ने किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बहुत सारे परिवर्तन होते गए बीच बीच में, आपने देखा है कहां से कहां, कहां से कहां और कहां से कहां पहुंच गया, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा लास्ट तक कहां के कहां चला गया, ठीक है। तो इसमें यही डेवलप करना है कि एक एक एक्शन जो हमको बताई जा रही है एग्जैक्ट वैसी ही होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जर्वेशन पावर, हमारा लिसनिंग स्किल, ये सारी इसमें डेवलप होती है। अभी हमने एक्शन के साथ लिया, अभी शब्दों वाला लेंगे हम, चार महावाक्य जो पहला व्यक्ति है उसके काम में सुनाएंगे,
फिर वो अगले को सुनाएगा, अगले को सुनाएगा, और सुनाते सुनाते लास्ट तक वो क्या बन जाता है वो हम देखेंगे। तो ये महावाक्य जो पहली मुरली है उसमें से है, ठीक है। चार छोटे छोटे वाक्य है, तो वो वाक्यों का क्या हो जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सामने आ जाएंगे निखिलेश भाई इधर। हाँ, ऊपर नीचे करना है ना सबको। हाँ, तो ये नहीं, सबको देख लेना, आप सब खड़े हो जाएंगे उधर देखते हुए। हाँ, उधर देखते हुए सब खड़े हो जाओ, आपको देखना नहीं है, आपको इधर नहीं। चीटिंग का तो सवाल ही नहीं, चीटिंग होने के बाद में भी बहुत सारे गड़बड़ हो गई बीच में, हो गया। इसके बाद बहनों की बारी है, यहाँ पर वो जो सेकंड बोल, सेकंड बोल बहने ज्यादा है, बहने एक बार सारे महावाक्य, चारों महावाक्य अच्छे से पढ़ लेंगे, हो गया। इधर लगा दो, नहीं देखना है किसी को, सब उधर 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 उधर। ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, ये तीसरा है, और वो चौथा है। अच्छा, आपने तीन ही कर लिया, चलेगा तीन, चलेगा तीन 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 तीन, ठीक है। हाँ हाँ, तीन नहीं चार है। निखिलेश भाई इधर आज सकते हैं, स्टार्ट स्टार्ट। इतना नजदीक से गया तो भी चलेगा, इधर नहीं देखना है कोई भी। हो गया हो गया, ये देख लिया ना। कोई देखेगा नहीं इधर। हाँ, आपने कहा चिमन भाई। कुछ बोलना नहीं आपको, डू नॉट टॉक। देखेगा नहीं कोई भी, बिल्कुल चुप। आप यहां क्या कर रहे हो, आपकी जगह उधर है। ब्लेड नेक्स्ट। हाँ भाई जी, आप इधर आ जाइए, लास्ट लास्ट जो है वो इधर आ जाएंगे। तो क्या था वाक्य, अब तक क्या पहुंचा? बाबा किसके पास नहीं आते पता नहीं। क्या क्या? बाबा किसके पास नहीं आते हैं? बाबा किसके पास नहीं आता है? ये पहुंचो, वाक्य क्या था दीपाली बहन बताएंगे। ब्रह्म कुमार बनने के बाद ही माया आती है, शुद्र कुमार के पास माया आती है क्या? हम स्वदेशी है, विदेशी चीजों को टच भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा कुमार का कुमार ही बन गया बीच में, बीच में अधर कुमार भी बन गया था। और वहां पहुंचते पहुंचते बाबा, बाबा कहां पर, इसमें इसमें बाबा ही नहीं है, शत्रु कुमार। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। पर पहले से ही फर्स्ट ही कुमारी हो गया था बीच में, पर वो आपने जो सुना था वही करना था, आपने याद रखा हुआ नहीं करना है। वो तो आपको मुरली से पता है, पर इनको तो वो वाक्य दिया गया था ना, तो उन्होंने क्या बताया था जो। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ अवर ऑब्जर्वेशन हियरिंग पावर, ठीक है। अभी बहनों की बारी है, सभी कुमार नीचे आ जाएंगे, सारी बहनें उधर। लक्ष्मी बहन ठीक है, आप बैठ सकते हैं। हाँ, लक्ष्मी बहन जी जय जय,
इज अवर बॉस टुडे। सारी बहने आ जाओ, सारी, चलो आप भी। सुखदेव भाई हाँ आ जाओ, आप भी बीच में बहनों के इसमें घुस जाओ, दूर दूर तक, दूर दूर हो जाओ, उधर पीछे तक, इस सबको खुला खुला करो, पहले दिवाली पे अरेंज टाइम एक लाइन में लगाओ सबको, और खुला खुला आगे 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 बढ़ते जाओ। त्रिवेणी बहन थोड़ा और आगे जाओ, और आगे 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 और आगे। माता जी आप बीच में आ जाओ इधर, तेजल बहन अंदर रुको, तो ये जो पीछे वाली जो तीन है ना वो इधर अंदर आ जाओ, चलो 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 चलो, चलो इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, पीछे वाली दो पहली फर्स्ट टू कम हियर, फर्स्ट टू आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही होता है, चलो इधर चलो चलो चलो, हाँ आप अंदर चले जाओ, आप इधर एक बीच में आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे ये तीनों, अलग अलग, और थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ तो जो फर्स्ट मुरली थी उसके आधार पर तब उधर देखेंगे, इधर कोई नहीं देखेगा, थोड़ा दूर दूर हो जाओ, थोड़ा सा हल्का हल्का दूर, और पीछे पीछे इधर आ जाओ बहन जी, आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा, और पीछे 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 पीछे, ठीक है डन। तो सारे कुमार देखेंगे हम जो एक्शन करेंगे, और वो एक्शन का क्या कर, क्या करते ये लोग, अरे वो दो क्यों रुक गए, आप भी चले जाओ बीच में, आ जाओ दोनों, आ जाओ आ जाओ, जो कहीं पे आप बीच जाओ, पहले माताओं को लेना है हमको पीछे, माता जी आप आ जाओ, नहीं फर्स्ट माता जी आप फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट उधर देखना है चुपचाप, अभी सामने कोई नहीं देखेगा, नजर आगे, सबकी नजर आगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मुरली है उसके आधार पर है, सभी कुमार एक्शन हमारी देख लेंगे और फिर ये लोग उसका क्या करते हैं वो देखेंगे। इस मुरली में बाबा ने तीन सीढ़ियां बताई है, ठीक है, कल पढ़ी है सबने मुरली, ठीक है ना, उसके आधार पर एक्शन से। बंद करना, ओपन करो, देखिए एक्शन स्टार्ट, टीचर टर्न, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नहीं नो रिपीटेशन, एक ही बार, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इधर कराना है इनको, इधर नहीं, टर्न, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टर्न 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 टर्न, इधर इधर इधर, टर्न 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 टर्न
ए, आप देखना नहीं है, आपने देखा नहीं, उधर देखना है आपको। टर्न 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 टर्न, आपको वही करना है जो आपके पास आ रहा है। टर्न टर्न, उधर 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 देखेंगे। टर्न 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 टर्न, हाँ आप क्या है? आ जाओ, हाँ इधर उधर आ जाओ। त्रिवेणी बहन, तो क्या था आपका, आप तक क्या पहुंचा? मैंने, आप बताओ क्या पहुंचा, इधर इधर बताओ सबको, इधर 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 एक्शन, जो पहुंचा वही बताना है बस। फर्स्ट आप तक क्या था, क्या था? एक दो, ये था, ये मुरली में है, तुमको है तीन सीढ़ियां। तीन सीढ़ियां कौन सी है? सबसे पहली सीढ़ी है आकार में निराकार को देखना। तो पहला था सीढ़ी थी कर्मेंद्रिय जीव बनना, तीसरी सीढ़ी थी विकल्पों को और व्यर्थ को समाप्त करना। तो ये तीन थे। तो अभी थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है? तो तेजल बन आप आ जाओ, अभी पीछे सामने, अभी नेक्स्ट। सुशील भाई कहाँ गए? वाक्य लिखेंगे एक, इधर देखना नहीं है कोई, सब अभी उधर देखो, उधर 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 देखेंगे, उधर 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 देखो सर। सदैव सभी रेडी, सब सामने देखेंगे। तेजलमिन नेक्स्ट, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है। भाइयों का परफॉर्मेंस अच्छा था पर वो वाला सुनते जाऊंगे। ध्यान से सुनना है जो वाक्य आ रहा है और वैसे के वैसे रिप्रोड्यूस करना है सामने। सुनो, आपका टर्न आएगा, रेडी रहना है। एक ही बार अच्छे से बोलो माता जी, माइक वही तो नहीं देना है माइक। वाक्य ये है, नेक्स्ट इधर आ जाए सब। नेक्स्ट आप ही आ जाओ बीच में, अच्छा फिर लास्ट में आ जाओ। आपने देख तो नहीं लिया? हाँ, क्योंकि ये तो यहीं बैठे थे। नेक्स्ट, हाँ चलो आ जाओ। हाँ नहीं आप नहीं बताएंगे। पदम के लिए मान को नहीं खोना है, पदम में टिकने के लिए
मां नहीं कोना है, वो आके दिखाओ क्या है। सदैव देने के द्वार खुले हो, अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। क्या पहुंचा आपके पास? सदैव सदर्भ में टिकने के लिए मान को नहीं खोना है। तभी बैठ जाएंगे नीचे, नीचे बैठ जाओ बस। गीत तो अभी काम बहुत करना बाकी है। हम क्या सुन रहे हैं? एक की गलती बस वो परंपरा बन जाती है। द्वापर से यही होता आया है। एक व्यक्ति ने गलती कर दी, उसके बाद में गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, और उसी को फिर लास्ट में सत्य मान लिया। वाक्य क्या था? ये था, भगवान ने गीता क्या सुनाई थी द्वापर संगम पर, ये वाली। और फिर द्वापर से होते 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 वो कहां से कहां के कहां पहुंच गई। महावाक्य था, सदैव देने के द्वार खुले हो, अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। लास्ट में क्या पहुंचा? स्वधर्म में टिकने के लिए क्या? मान को नहीं खोना है। कहां स्वधर्म, कहां मान, कुछ भी नहीं बचा। तो ये है, इससे पता चलता है पॉजिटिव तो रहे, पर इससे द्वापर से कैसे सृष्टि का पतन हुआ वो पता चलता है। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड चाइनीज विस्पर। तो भी और सुनी सुनी बातों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आ रहा है हम तक किसी के बारे में, लोग कहते हैं ना, कंप्लेन करते हैं, चुगली करते हैं, और तुमने सुना है ये, इसका ऐसा हुआ, वो बहन का वैसा हुआ, वो कुमार का वैसा हुआ। किसी की बातों पर विश्वास नहीं करो, सुनी सुनाई बातों पर, मिर्च मसाला डाल के सब कुछ करके फिर बातें आती है। तो ये हमारे भीतर के अंदर के शत्रु है, जो हमें इंटरेस्ट है व्यर्थ में। और अभी हमारी लड़ाई किससे है? इसी से, यही शत्रु है। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, अग्निवृत्त होती जाती है, यौवन निर्जर छूट रहा है, प्रत्यंचा भर्रारी सी है, धनुष तुम्हारा टूट रहा है, कब तक तुम, कब तुम सच स्वीकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। ओम शांति। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे, इन हर हर महादेव, बोलो कब प्रतिकार करोगे। अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे, हो पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे। सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्व खोती जाती है, निर्णय सारे मंद हो रहे।
स्वर में याचक सारे छंद हो रहे, वीर गर्व को की जाती है, हृदय सारे बंद हो रहे। क्या अब हाहाकार करोगे, क्या अब हाहाकार करोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। बोलो कब प्रतिकार करोगे।